नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपका आचार्य मयंक शर्मा। ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके ज्योतिष संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपका साप्ताहिक राशिफल बताते हैं, ग्रह नक्षत्रों का जो राशि परिवर्तन होता है उसका आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताते हैं, समय समय पर आपको धर्म कर्म वास्तु और अंक शास्त्र से संबंधित जानकारी भी देते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है, किसी भी तरह की धर्म कर्म से संबंधित कोई आप जानना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपका एक विशेष शो करके आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कि किस दिन जन्मे लोगों का कैसा स्वभाव होता है। अभी तक हमने आपको बताया था मंगलवार तक जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा रहता है, आज चर्चा है बुधवार की। जी हाँ, तो बुधवार को जन्मे लोगों का कैसा स्वभाव रहता है, कौन सा उनके लिए व्यवसाय शुभ रहता है, कौन से लोग उनके लिए भाग्यशाली होते हैं, कौन से वर्ष उनके लिए लाभकारी रहते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, बुधवार को जन्मे लोग जो होते हैं, बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, बहुत ही मिलनसार लोग होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, सबका साथ देते हैं, मित्रों में साथ रहते हैं, अपने काम को बहुत ही तेज़ी से करना चाहते हैं, हर दिल अजीज होते हैं, सामाजिक कार्यों में ऐसे लोग बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों का व्यवसाय में बड़ा रुझान रहता है। अगर ऐसे लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, तो उनको विशेष लाभ मिलता है, धन लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी से जल्दी से नाराज़ नहीं होते, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और तुरंत शांत भी हो जाते हैं। और बुध का स्वभाव है तो थोड़ा सा मनमौजी रहते हैं और थोड़ा सा रसिक होते हैं, मिलनसार भी बहुत होते हैं, हंसी मजाक करना इनको बहुत अच्छा लगता है, मित्र इनके बहुत होते हैं, क्योंकि बुध के स्वभाव के कारण मित्र बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और मित्र इनकी सफलता में बड़ा अहम योगदान अदा करते हैं। बुध से प्रभावित लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, ये काम जल्दी जल्दी करना पसंद करते हैं, यानी किसी भी काम को बहुत तेज़ी से करना पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अगर कुछ लिखेंगे तो फास्ट लिखेंगे, चलेंगे तो तेज़ चलेंगे, बात करेंगे तो तेज़ी से करते हैं, कुछ भी काम करेंगे बहुत तीव्र गति से करते हैं बुध के प्रभाव के कारण। तो ये इनकी खासियत होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, इंटेलिजेंसी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, मेमोरी इनकी बहुत शार्प रहती है, जल्दी से कोई चीज़ भूलते नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग समाज में बड़ा नाम कमाते हैं, सबके प्रिय होते हैं ऐसे लोग। तो बुधवार को जन्मे लोग बहुत ही अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं। इनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, कभी कभी इनका मूढ़ी स्वभाव हो जाता है जो इनको परेशानी का कारक बन जाता है, तो आपको अपने मूढ़ी स्वभाव से बचना है। थोड़ा सा ये भी सोच समझ कर बोलने की प्रवृत्ति आप सोचिए, क्योंकि आप अचानक से कुछ भी बोलते हैं, कभी बार कोई ऐसी बात निकल जाती है किसी को बुरी लग जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ही पैसे वाले ऐसे लोग होते हैं, नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय में बड़ी तरक्की करते हैं, कुछ अलग करने की चाह इनके अंदर होती है, बहुत मेहनती भी होते हैं, मेहनत से पीछे नहीं उठते और आलस से इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, ईमानदारी से अपने काम को आगे करके बढ़ाते हैं। अगर नौकरी भी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, लेकिन व्यवसाय इनका मेन है। अगर बिजनेस करेंगे तो लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पर बुधवार को जन्मे लोगों को हमने जाते हुए देखा है। तो दर्शकों, बताते हैं इनके करियर के क्षेत्र की, आपको किस क्षेत्र में सफलता ज़्यादा मिलती है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में करें, अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में करें। देखिए, जो बुधवार को जन्मे लोग हैं उनको मीडिया फील्ड बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर आप पत्रकारिता, स्क्रिप्ट राइटर हैं, वक्ता हैं, एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, तो ये आपको बहुत इस लाइन में बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। प्रिंटिंग प्रेस के काम में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आप शेयर मार्केट से, अगर आप ब्रोकर हैं, अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी इस क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय अगर आप करते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। आईटी फील्ड भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जो कि आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। इंजीनियरिंग और केमिकल संबंधित अगर आप कुछ काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। होटल मैनेजमेंट आपके लिए MBA, BCA, MCA अगर आप करते हैं तो भी आपको विशेष सफलता मिलती है। और अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो भी स्पोर्ट्सिज्म आपके अंदर भरा हुआ है, जी जान से आप इसमें तैयारी करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। तो दर्शकों, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन थे, अगर बुधवार को जन्म लोग इस प्रोफेशन को अपनाते हैं तो उनको विशेष लाभ मिलता है और बहुत जल्दी इनको सफलता भी मिलती है। अब आपको बताते हैं कि कौन से दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए सहयोगी कौन से दिन वाले लोग होंगे। तो बता दें, आपके लिए बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन विशेष लाभकारी होता है और इस दिन जन्मे लोग आपके बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, आपके लाइफ में बड़ी तरक्की दिलाते हैं इस दिन जन्मे लोग।
तो इन 3 दिनों को आप नोट कीजिए, बुधवार शुक्रवार शनिवार। अपने किसी काम की शुरुआत करनी हो तो इन 3 दिनों में करते हैं, कोई बड़ी डील करनी हो उस दिन कर लेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अब दर्शकों बताते हैं आपके लिए आने वाला वर्ष कौन सा शुभ रहने वाला है। देखिए 2021 आपके लिए बहुत लाभकारी, परिवर्तनकारी, मंगलकारी रहेगा। इस वर्ष में आपको क्या हो सकता है, बड़ी तरक्की हो सकती है, व्यवसाय में बड़ा आपका नाम हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष में जो विवाह योग्य हैं उनका विवाह होगा, जो संतान की चाह रखते हैं उनको संतान प्राप्ति का योग भी 2021 में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वर्ष आपके लिए बड़ा परिवर्तनकारी रहेगा, एक पॉजिटिव संकेत आपके लिए लेके आएगा। और उसके बाद 2026 और 2032 ये कुछ आने वाले वर्ष ऐसे हैं जो कि आपको बेहद लाभ देंगे, बेहद तरक्की देंगे। ये वो वर्ष हैं जब बड़ा परिवर्तन होगा, यानी उसके बाद फिर दिनचर्या आपकी सामान्य चलेगी और उसके बाद जो हमने आपको वर्ष बताए उन वर्षों में फिर परिवर्तन होगा, जो कि सकारात्मक परिवर्तन होगा और एक बड़ा परिवर्तन होगा, एक बहुत बड़ा लाभ देगा आपको। देखिए बताते हैं आपके लिए कौन सा रत्न बड़ा भाग्यशाली। आपको एक पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए और एक फिरोजा या फिर ओपल या हीरा, ये रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। विष्णु जी की आराधना आप लगातार करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर आपके किसी काम में रुकावट आती है तो आप विष्णु जी की आराधना करें, ये रत्न धारण करें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो दर्शकों आज हमने आपको बताया बुधवार को जन्मे लोगों के स्वभाव के बारे में, उनके व्यवसाय और उनके लिए कौन से वर्ष भाग्यशाली है। अगर आपकी भी ज्योतिष संबंधी कोई जिज्ञासा है, आपको जानना चाहते हो, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको हमारा इस शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।